इन दिनों परिसर में दुनिया को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा आयोजन समिति की ओर से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इंदिरा चौक परिसर में सामूहिक बुद्ध वंदना और बौद्ध भीम गीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान गौतम बुद्ध को स्मरण करें और भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पंचशील को ग्रहण करें। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने बौद्ध पूर्णिमा आयोजन समिति के माध्यम से यह भव्य सामूहिक बौद्ध वंदना व बौद्ध भीम गीत का आयोजन यह इंदौरा चौक में किया है। हमारा यह उद्देश्य है कि इस बौद्ध पूर्णिमा के समय ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध पूर्णिमा कर भगवान गौतम बुद्ध का स्मरण करें और भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो पंचशील का मंत्र दिया है सभी को, वो सभी ज्यादा से ज्यादा त्रिशरण ग्रहण करे, ऐसा हमारा उद्देश्य के साथ आज यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, जिसमें कि पूरी समिति में हमारे कुल 50 लोग हैं। साथ में इस बौद्ध पूर्णिमा आयोजन समिति के साथ में यहाँ पर हमने भीम राज्य मित्र मंडल, साथ ही धम्म सेना, ऐसे कई सारे अन्य सामाजिक संगठन को साथ में लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। जी, आज तथागत गौतम बुद्ध वैशाख पूर्णिमा है, जो 2568वीं ये बौद्ध वैशाख पूर्णिमा है। इस वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध पूर्णिमा आयोजन समिति द्वारा आज हमने बुद्ध भीम गीत और सामूहिक बौद्ध वंदना का जो कार्यक्रम रखा है, ये बौद्ध पूर्णिमा हम सुख शांति, जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें अहिंसा का मार्ग दिया है, इस अहिंसा के मार्ग को अपनाए और इस हम बौद्ध पूर्णिमा में एकता, अहिंसा, ये सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में भंते प्रज्ञानंद थेरो उपस्थित थे। भीम राज्य मित्र मंडल, धम्मसेना जैसे अन्य सामाजिक संगठन ने मिलकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।